जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गुजरात में इलेक्शन चल रहे हैं, ऐसे में सभी की नज़रें इस समय गुजरात की तरफ टिकी हुई हैं। गुजरात जो कि भाजपा का गढ़ भी माना जाता है और उससे बड़ी बात यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी गढ़ माना जाता है, जहां से कि वो मल्टीपल टाइम सीएम रहने के बाद में भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़े और दो बार भारत के प्रधानमंत्री भी बने। तो ऐसे में इस समय सभी की नज़रें गुजरात की तरफ टिकी हुई हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी कैंडिडेट नहीं थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस जो है वो बिल्कुल दौड़ से बाहर हो चुकी है और इस बार जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में ही देखने को मिल रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने भी अहमदाबाद में अपना वोट कास्ट किया। वोट करने के साथ ही उन्होंने सबसे अपील करी कि सभी लोग अधिक से अधिक नंबर में बाहर निकलें और गुजरात में वोट दें। लेकिन ANI ने उनकी एक तस्वीर पोस्ट करी। ANI ने भी उनकी तस्वीर पोस्ट करते हुए पूरी जानकारी दी कि भैया देखिए मोदी जी ने जो है वोट दिया है और सारी बातें कही, लेकिन उसमें से एक तस्वीर ऐसी थी जो कि इंटरनेट पर वायरल हो गई और लोग उसके ऊपर तरह तरह के मीम्स बनाने लगे। तो हम उन मीम्स की तरफ ही देखने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी ने एक बार फिर से देश के युवाओं को काम पे लगा दिया। तो ये है वो फोटो जिसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं। अब जैसे डॉक्टर गिल ने लिखा हुआ है कि इंटरनेट कैफे में एडल्ट साइट खोलने से पहले मैं, मतलब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी इतने शौक में दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एप्ट बैठ रही है उसके ऊपर ही बात। इसके आगे इन्होंने लिखा है, राजा बाबू ने लिखा है कि एज अ किड शाउटिंग मम्मी कर ली एंड वेटिंग फॉर हर इन द वॉशरूम। इन्होंने लिखा है, भाई पता चला कैमरामैन को देखने के चक्कर में गलती से महामानव कांग्रेस को दो वोट दे बैठे, लेकिन यार उसके बावजूद कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, वोट तो इनके देने से भी क्या ही हो रहा है। उठकर लिखा है कि लेट मी वेटिंग इन द वॉशरूम फॉर समवन टू गिव माय टॉवेल, मी वॉचिंग माय फ्रेंड फ्रॉम वॉशरूम। यहाँ पे क्या लिखा है ना भैया मोदी, दैट लुक माई फादर गिव्स मी व्हेन आई एम ऑन माई लैपटॉप टिल लेट नाइट। मतलब वो एक्सप्रेशन जो है ना वो हर जगह पर एप्ट बैठ रहा है, सेम एनर्जी, मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग, वो वाली एनर्जी, ये पाकिस्तान के थे शख्स वैसे। यहाँ देखिए, कैमरा से नज़र नहीं हटनी चाहिए, बस बाकी सब भाड़ में जाए, वोट किसी को भी जाए, बस क्या ही बताए। मी व्हेन देयर इज आलू पराठा कुकिंग एट नेबर्स हाउस, बस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि शायद एक आध टुकड़ा हमारी तरफ भी आ जाए। जब पड़ोसी लड़ रहे हों घर में, तब मैं अपनी खिड़की से मज़े लेता हुआ पॉपकॉर्न के साथ। पूरा फोटो नहीं ले सकते क्या, वोट डालते हुए रेडी होके आया था। एक था जो विकेट के पीछे से मैच पलट देता था। यहाँ पर देखिए भाई साहब की किससे कंपैरिजन किया जा रहा है। यहाँ पर संबित पात्र ने लिखा है, गलती से झाड़ू का बटन दब गया, लेकिन ध्यान रखिए पर वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। ये बातें तब तक ही चलती हैं जब तक कि रिजल्ट सामने नहीं आ जाता, और रिजल्ट भी दूसरे के हक में सामने आता है तब। जैसे ही रिजल्ट खुद के पक्ष में आ गया उसके बाद कोई EVM में गड़बड़ी नहीं होती। अगर हम लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव की बात करें तो तीनों जगहों पर भाजपा हारी, लेकिन क्या किसी ने भी EVM को लेकर कुछ कहा? बस वहीं पर सारी पोलें खुल जाती। अच्छा, इसके आगे और क्या लिखा है, परिवर्तन आवे छे, मैंने कांग्रेस को वोट दे दिया है, आप सब भी कांग्रेस को वोट दें। उसके बाद भी नहीं जीत पाएंगे बेचारे, क्योंकि उनको जो चलाने वाले हैं वो खुद ही चलने में लगे हुए हैं। पड़ोस वाली आंटी वॉचिंग मी विथ अ गाय, मी हाइडिंग एंड वेटिंग फॉर माई डैड टू लीव माई शॉप विद विस्की सोक आई कैन गेट माई बियर। When someone shouts, camera की बैटरी डाउन है, अरे भाई उसी लिए आए थे और वही डाउन हो गई। Your face when you go to SBI and they say lunch के बाद आना। जब मोदी जी वोट देते हुए पूरी फोटो ना आए तो उसके बाद यही हाल होता है। अमेरिका whenever they find oil, बिल्कुल, चाहे लीबिया हो, सीरिया हो, इराक हो, कहीं भी तेल दिखेगा अमेरिकी वहाँ पहुँच जाएंगे। ये बहुत तेज बात होती है। मोदी जी सेटिंग इलेक्शन रिजल्ट 2024, लो भैया सेटिंग अभी से ही शुरू हो गई। When your friend get passes even after partying last night but you got failed, धोखा। When your friend says कुछ नहीं पड़ा भाई and take extra sheet in the examination, भाई ऐसा ही फील होता है। तो इस तरह के रिएक्शन है जो कि मोदी जी की तस्वीर के ऊपर निकल कर सामने आ रहे हैं। देखिए पब्लिक को चाहिए रहता है मज़ा लेने का मौका, जो कि वो बिल्कुल भी चूकते नहीं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी अगर इस तस्वीर के साथ वायरल हो रहे हैं तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वैसे भी ये तो मशहूर है इस चीज़ के लिए, खुल के सपोर्ट भी करते हैं, भैया मीम तो बनने ही चाहिए। आपका इस फोटो के ऊपर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।